ढेर। मैं अपने गाने चलाऊंगी यहाँ पे और जो है फिर करूंगी अपने बर्तन साफ। इधर से दबा देना है और इधर से दबा, इसमें से उठाएं और बिल्कुल साइड में से इनको हम इस तरह से छोड़ देंगे। अब देखो ये सब ऊपर आ गई। आज जो शौक उपजा था ना मिठाई बनाने का, ये सब बनाने का, इसे पूरा कर लिया। ये है सौंठ, गोलगप्पे, गुंजिया, कई हमारी चाशनी, इतनी सारी चीजें जो हैं। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ कुछ रेसिपीज शेयर करी थी जो आपको बहुत पसंद आई थी, उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में है आज का वीडियो जिसमें एक बहुत ही बढ़िया रेसिपी आप देखने वाले हैं। अब इतनी सारी जो रेसिपीज है ना, ये सब बहुत बढ़िया है, आसान है। मैंने आपको बताया इनकी कुछ टिप्स हैं, उनको आप इस्तेमाल करना, आपकी परफेक्ट बनेंगी, बिल्कुल हलवाइयों जैसी बनेंगी। एक बार बस उसी टिप्स से बनाना जो मैं आपको बता रही हूँ। अब देखो ये सारी अगर एक वीडियो में आ गई तो मैं एक वीडियो में डालूंगी, अदरवाइज इन्हें ब्रेक करके डालूंगी वीडियो में, दो वीडियोस में कवर कर दूंगी, क्योंकि इनकी टिप्स बताना बहुत जरूरी है। और अब हम जो है दही बड़े, तो जो है ना दही गुंजिया जो, इन्हें मैं फ्रिज में रख दूंगी और जब कभी भी खानी हो उसमें से निकाल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से बालूशाही, तो सारी चीजें इकट्ठे आज नहीं खाएंगे, आज बच्चे खाएंगे केवल जो गोलगप्पे हैं ये, और इसे बोलते हैं बालूशाही, लेकिन ये बिल्कुल अलग तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। इसमें बालूशाही बना के हम रख लेंगे और जब भी मन करेगा खाने का तो हम क्या करेंगे, उसे चाशनी में डाल के और खा सकते हैं और इसे एक महीने तक रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी ये भी डिश है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैं ये ले रही हूँ आधे किलो मैदा और इसमें डालूंगी करीब 200 ग्राम कुकिंग ऑयल। और ये मैं डाल लूंगी करीब 200 ग्राम इसमें ऑयल। हम जब कुकिंग ऑयल डालेंगे तो बीच में मैदा में ना एक थोड़ा सा गड्ढा कर लेंगे और उसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल, और जहां हमने ऑयल डाला है वहीं डालेंगे हम बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, बिल्कुल जरा सा, 1/4 टीस्पून। और जो बेकिंग पाउडर होता है ना ये भी हम लेंगे और ये डालेंगे एक चम्मच, एक छोटा चम्मच। और ये दोनों ही चीज़ें हमने जहाँ ऑयल डाला है ना बीच में गड्ढा करके उसी में ही हम डालेंगे। ध्यान दीजिएगा बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में थोड़ा अंतर होता है, तो खाने वाला सोडा तो हमने बहुत थोड़ा सा एक पिंच डाला है और बेकिंग पाउडर हमने डाला है करीब एक छोटा चम्मच। अब हम पानी लेंगे 50 ml और बीच में जो हमने जहाँ पे ऑयल डाला था उसी में पानी डालेंगे। बीच में पहले इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर हम मैदे में इसको मिक्स करेंगे। इससे क्या होता है, जो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा होता है, पानी, ऑयल, सब अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाता है। मार रही हूँ यानी हल्का हल्का पानी डालना है बस इसमें। अब हमें डो प्रिपेयर करना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बिल्कुल हल्की हल्की छींटें देकर हमें डो प्रिपेयर करना है, एकदम से पानी मत डालिएगा इसमें। और हमें बिल्कुल जैसे रोटी का डो होता है वैसा बनाना है इसको, बहुत ज़्यादा इसे टाइट हमें नहीं डालना है, नहीं करना है। और पानी जो है ना हमें बस छींटें देनी है और छींटें दे दे के इसमें पानी डालना है, एकदम से ज़्यादा पानी मत डालिएगा, बहुत ज़्यादा इसे गूंदिएगा मत, इसे लोच यानी कि लचक जो हम देते हैं वो भी नहीं देनी है, बस हम इसी तरीके से इसको ढक के रख देंगे। ये जो हमारा बालूशाही का आटा था ये देखो कैसा ढीला हो गया, बिल्कुल ऐसे ही रखना है, ये बहुत टाइट नहीं गूंदेगा। और अब हम क्या करेंगे, इसको ज्यादा ना वो नहीं करना, मसलना नहीं है ज्यादा, इसे गूंदना नहीं है, नहीं तो जो इसका, इसमें हमने घी डाला है या ऑयल जो हम डालते हैं ना वो चला जाता है, मतलब उसका मोयन जो होता है वो टूट जाता है, इसलिए बस हमने इसको हल्का सा बस इस तरीके से करके इसे मोड़ लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये हो गया। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसे तोड़ेंगे, लंबे लंबे इसमें जो है बालूशाही बनाएंगे। तो बालूशाही के लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा टुकड़े ऐसे थोड़े थोड़े से तोड़ने हैं हमें, उनको गोल करना है ऐसे करके, इधर से दबा देना है और इधर से दबा देना है, इस तरीके से हमें ये तैयार कर लेनी है बालूशाही। दिखा देती हूँ आपको पास से। ये सारी बालूशाही बना ली है, देखिए बिल्कुल पतली पतली इस तरह से, मतलब ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, ऐसी ही बनाई है, क्योंकि ये फूल जाती हैं अभी जब हम इन्हें तलेंगे तो ये फूल जाएंगी। मैंने जो है ये वही है, ऑयल है, गर्म हो गया, ना तो बहुत ज़्यादा गर्म है ना ठंडा है, अब इसमें हम धीरे धीरे छोड़ते चले जाएंगे
और जब सारी इसमें चली जाएंगी तब थोड़ा सा हम गैस को बढ़ाएंगे और बहुत अच्छी जालीदार बालूशाही इससे बनके तैयार होंगी। इसमें से उठाएं देखिए इस तरह से और बिल्कुल साइड में से इनको हम इस तरह से छोड़ देंगे। छोड़ दी, ऐसे धीमी आंच है देखिए, बिल्कुल अपने आप ये उठ के जो है ऊपर आती चली जाएंगी। ऐसे ही साइड में से हम सारी छोड़ते चले जाएंगे। कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ज्यादा है, इसमें ज्यादा ऑयल लिया है, डालूंगी दूसरी तरफ, मुझे ऐसा लग रहा था ऑयल है, लेकिन एक ही तरफ से डालेंगे, अपने आप वो अंदर चलती चली जाती हैं। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, अब इसमें नहीं आ पा रही हैं, वैसे वो खिसकती जाएगी अपने आप ही, तो जितनी आई वो मैंने सब इसमें डाल दी और बिल्कुल धीमी आंच है। अब देखो शायद साइड में जगह है, यहां से चली जाएंगी, चलाना नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिएगा ना, बिल्कुल भी नहीं चलाएंगे, नहीं तो ये सब जो है ना वो हो जाएंगी, भुरभुरी सी हो जाएंगी। तो देखिए सारी आ गई इसमें, सारी डाल दी हैं। जैसे ये सिकती है ये अपने आप ही ऊपर आ जाती हैं, तो ये अपने आप ऊपर आनी शुरू हो जाएंगी, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो बालूशाही है वो लगभग तैयार हो गई है। अब देखो ये सब ऊपर आ गई ना अपने आप, और हमने ये बिल्कुल भी नहीं हिलाई है, धीमी आंच पे बिल्कुल ये सिकी हैं, आंच बिल्कुल भी तेज नहीं करनी है। और अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हल्की सी अब हम इसकी जो है जो गैस को बढ़ा देंगे, बस हल्का सा मैंने बढ़ाया है। जब तक ये ऊपर नहीं आ जाती हैं तब तक हमें गैस को बिल्कुल भी तेज नहीं करना है, हम तेज तब करेंगे जब ये बिल्कुल अच्छे से ऊपर आ जाएंगे। और देखो बिल्कुल सही बनी है ना सब, बिल्कुल परफेक्ट जिसे बोलते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट बन रही हैं। जो हमारी बालूशाही है ना, इनको हमें जब मन करे तब हमें क्या करना है, चाशनी में 10-15 मिनट डालना है और फिर उसके बाद निकाल लेंगे और खा लो। और इसे आप बना के ना एक महीने तक रख सकते हो, ये खराब नहीं होती हैं। तो अब मैं बनाऊंगी चाशनी। चाशनी बनाने के लिए मैंने ली है एक गिलास चीनी और आधा गिलास मैं लूंगी पानी, और इससे बनाऊंगी चाशनी। और चाशनी को भी बना के आप फ्रिज में रख लो। और दूसरा, इसको ना बहुत दिनों देर तक चाशनी में नहीं डुबोना है, केवल 10-15 मिनट चाशनी में भिगोना है। और चाशनी भी तेज गर्म नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल गुनगुनी सी होनी चाहिए कि उसमें थोड़ा सा मीठापन चला जाए, बिल्कुल गुनगुनी सी चाशनी। और आप चाशनी बना के भी फ्रिज में रख दो, और जब भी खाना है उतनी ही चाशनी निकालो, हल्की सी उसे गुनगुनी करो, बालूशाही अलग रखी है उन्हें उसमें डालो, भिगो, निकालो और खाओ। घर में कोई भी काम होता है तो थकान तो हो जाती है, लेकिन जब इतनी सारी चीजें बनती हैं तो ये एक दिन में तो खत्म नहीं होती है, काफी दिनों तक बच्चे इन्हें खाते रहते हैं। और फिर आप हल्का फुल्का अगर खाना भी बनाते हो ना तो सब एडजस्ट हो जाता है, जैसे आज मेहनत ज्यादा लग गई तो अब ये कल का खाना बिल्कुल हल्का फुल्का बन जाएगा और किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी, बल्कि सब ये और कहेंगे कि मजा आ गया, आपको तो बहुत सारी चीजें बनानी आती हैं। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो, कुकिंग के में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। मतलब अगर एक फीमेल है, मतलब फीमेल और मेल दोनों के लिए, लेकिन अब मैं अपनी सोसाइटी के हिसाब से बात कर रही हूँ, एक जनरल प्रैक्टिकल बात कर रही हूँ, बाकी तो बातें बहुत कुछ है। तो एक फीमेल को सबसे पहली चीज ये होना चाहिए, फीमेल या मेल, देखो अब इस मैं उसमें नहीं जा रही हूँ, यानी आपको एक बहुत बढ़िया खाना बनाना आना चाहिए। ये मतलब चाहे आप जॉब करते हो चाहे कुछ भी हो, यानी जिस दिन भी आपको जरूरत पड़े आप अपना जो है कमाल दिखा सको। तो मिठाइयां आपको घर में आप इतनी बना सकते हो कि आपको मार्केट से खरीदने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। और जैसे जॉब वगैरह करते हैं तब तो आपको खासकर ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ ऐसी चीज बनाए जो काफी दिनों तक बच्चे खाते रहें। तो अब त्योहार आएंगे तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले से बना के रख लेंगे ताकि हम त्योहारों पे थोड़ा सा फ्री रहे ना, तो इसलिए ये सारी चीजें ऐसी होती है कि बना के फ्रिज में रख दो और काफी दिनों तक काम में आती है। तो पहले बनाते हैं चाशनी। ये सिक गई है, अब इनको हम निकाल लेंगे। देखो बिल्कुल बढ़िया बनी है ना। चाशनी बनाने के लिए हमने पानी और चीनी को इतना ही उबाला है, मतलब मिक्स करके, कि बस चीनी उसमें घुल जाए। उसके बाद बस एक दो मिनट रखिएगा, और हमें बहुत ज़्यादा जैसे तार वाली चाशनी नहीं प्रिपेयर करनी है। और ये जब चाशनी थोड़ी सी गुनगुनी हो जाएगी तब हम इसमें डालते हैं बालूशाही को। पहले गर्म में हमको ये बिल्कुल भी नहीं डालना है। हरी इलायची का, छोटी इलायची का पाउडर भी आप इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी टिप है लेकिन ये बहुत काम में आने वाली टिप है। और जब कभी भी आपको खाना है तो हमें क्या करना है, गुनगुनी चाशनी में उतनी ही बालूशाही डालिए जितनी आपको खानी हो, और इसको करीब 5 से 7 करीब 10 मिनट तक रख लीजिएगा। 10 मिनट तक डुबो के रखना है। किसी ऐसे पैन में रखिए जिसमें कि अच्छी तरह से चाशनी इनमें चली जाए। इसमें जब इन्हें निकालते हैं ना अलग से, तो उसके साथ चाशनी नहीं निकालते हैं, तो जो आप ये चाशनी बनाते हो ना ये बच जाती है काफ़ी सारी। तो देखिए ये
मेरी बालूशाही रखी हैं अलग, जिनको कि मैं बाद में यूज़ करूँगी। और देखिए इसमें ये डूब गई हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके से इनमें अंदर चाशनी चली गई है। इनमें मतलब चाशनी सिर्फ हमें अंदर थोड़ी सी अंदर चली जाए, इतना ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इन्हें चाशनी में हमें नहीं डुबोना पड़ता है। और देखिए इस तरह से हमारी ये बहुत ही बढ़िया जो है बालूशाही रेडी हो जाएंगी, जालीदार। खाएंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये मार्केट से जो है परचेज हुई है। अब देखिए ये तो बन गई बालूशाही, मैंने अपने ठाकुर जी का भोग भी लगा दिया है और चाशनी को भी अब मैं क्या करूँगी, अलग रख दूंगी फ्रिज में, और इसी तरीके से बालूशाही को। और अब मुझे करनी है किचन की क्लीनिंग। देखो लग ही नहीं रहा ना कि इतना सारी चीजें आज बनी है, हाथ के हाथ करते चले जाओ ना तो किचन हमेशा क्लीन रहती है। अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मतलब आज जो शौक उपजा था ना मिठाई बनाने का, ये सब बनाने का, इसे पूरा कर लिया। बहुत ज्यादा थकान हो रही है, सारी खाना मैंने बाहर निकाल के रख दिया है, जितनी भी चीजें बनाई हैं। और मैंने ना ये सब चीजें शुरू करने से पहले पराठे बच्चों के लिए सेक के रख दिए थे, करेंगे पराठे से ये सब्जी खाएंगे अपनी शाही पनीर की, फिर करेंगे आगे का काम। मैंने एक रेसिपी सब्जी की भी बनाई है बहुत ही टेस्टी जो है, इसे आप मेरे फेसबुक पेज पे जाके जरूर चेक कर लीजिएगा। वीडियो थोड़ा लेंदी होगा इसलिए मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ। बन गई सब्जी शाही पनीर की, प्याज और खोए वाली बहुत टेस्टी सब्जी है, खुशबू आ रही है बहुत बढ़िया। और अब सबसे पहले खाएंगे हम खाना, है ना, दिखा देती हूँ सब्जी कैसी बनी। किचन काफी तो मैंने साफ कर दी है, देखो इधर की तो साफ हो गई है किचन, और जो इधर ना देखो बर्तनों का लगा हुआ है ढेर, अभी इसे बाद में करूंगी, अपने गाने चलाऊंगी यहाँ पे, और जो है फिर करूंगी अपने बर्तन साफ। ये ऑयल रख दिया है मैंने यहाँ पे ढक के। तो ये सारी रेसिपीज़ अब मेरी होती हैं ख़त्म, और सारी चीज़ें मैंने बना के आपके साथ शेयर कर दी, जितना मुझे आता है उतना मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। और अगर आपको भी कुछ टिप्स पता हो ना तो कमेंट बॉक्स में मुझसे वो टिप्स ज़रूर शेयर करिएगा, तो मुझे भी कुछ नई चीज़ सीखने को हमेशा मिलती रहेगी। तो अब जो है बढ़ते हैं वीडियो की एंड की तरफ, ये वीडियो यहाँ तक है जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, तो ये टू बी कंटिन्यूड भी हो सकता है। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करना, शेयर करना, और फिर मिलेंगे कुछ नई टिप्स वाली रेसिपीज के साथ। तब तक के लिए नहीं तो फ्रेंड्स फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय। You right, treat you right.